नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर सबसे पहले आसपुर से, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही बेजुबान पशुओं पर भारी पड़ रही है। मिसाना गांव में 11 केवी की लाइन टूटने की वजह से 2 भैंसों की मौत हो गई, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। डूंगरपुर के राजकीय देवेंद्र कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 32 छात्राओं को साइकिल दी गई। सायला के ओटवाला में सरपंच खेरुना बानू की अध्यक्षता में छात्राओं को साइकिल दी गई, जिसमें 24 छात्राओं को साइकिल बांटी गई। विनोद चंदेल को समरानिया क्षेत्र का भाजपा एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। बीकानेर के छतरगढ़ में दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटी गई। इस दौरान संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। सादुल शहर के वार्ड नंबर 9 में असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लोगों ने गश्त की मांग की है। एसएचओ सुरेश कस्बा को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के बावड़ी में महज 1 महीने पहले बनी सड़क टूट गई। सड़क की पटरियों पर गड्ढे होने के कारण हादसों की आशंका बनी रहती है। प्रतापगढ़ के नाराणी में वित्तीय साक्षरता एवं ऋण सलाहकार अशोक यादव ने ग्रामीणों को बचत और उसके फायदे से रूबरू करवाया। अशोक यादव ने ग्रामीणों को बैंक से जुड़ने और बचत खाते खोलने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। बाड़मेर में नोडल थानाओं की ब्लॉक स्तरीय बैठक उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लोगों को नोडल के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों से जोड़ने को लेकर चर्चा हुई। ब्लॉक स्तरीय बैठक में बीईओ लतीफ खान ने शिक्षकों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया। प्रिंसिपल अमराराम लीलड़ ने सूचना आदान प्रदान की जानकारी दी। नागौर के पादुखुर्द में पट्टा वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को राजस्व शिविर के तहत पट्टों का विवरण दिया। सीकर में लक्ष्मणगढ़ के पास तारनगर न्यायाधीश राजदीप की कार की टक्कर पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग जीप से हो गई। हादसे में न्यायाधीश राजदीप के 3 साल की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिसकर्मी सहित 7 लोग घायल हुए हैं। हनुमानगढ़ के टिब्बी के डबली कला गांव में एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे घर का सामान जलकर खाक हो गया। रात को बंद कमरे में अचानक आग लगी। इस आग से कमरे की छत तक जल गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा के रूजिया गांव में एक कवेलू पोष मकान गिर गया, इसमें एक महिला की दबने से मौत हो गई। माफी देकर ग्रामीणों की मदद से महिला को बाहर निकाल लिया गया था और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौबों के राजावास में नांगल पुरोहितान रोड पर बारिश का पानी भरा होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोटपुतली की बनेठी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। डॉक्टर महेंद्र पुलसानिया की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ। स्वास्थ्य अभियान के तहत लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के डॉक्टर्स ने अपने अपने विचार रखे। डूंगरपुर में सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र के अखीपुर गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। 150 घरों की आबादी वाले इस गांव में पेयजल सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामीणों को 1 किलोमीटर दूर अखीपुर पाड़वा रोड पर स्थित पानी की टंकी से पानी लाना पड़ता है। सायला में ग्रीन अभियान पार्ट 3 के तहत सायला विकास समिति के तत्वावधान में पौधारोपण किया गया। इस अभियान के तहत सायला सरपंच सुरेश राजपुरोहित के नेतृत्व में कात्यायनी माता मंदिर में पौधे लगवाए गए। बारा की पटना ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर राजस्व शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सरपंच वंदा नागर ने लोगों की समस्याएं सुनी। उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी ने लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। यात्रा में बारिश से खेतों में रौनक लौट आई है। तालाबों और बांधों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। किसानों ने बारिश के साथ ही खेतों में बुआई का काम शुरू कर दिया है। बारिश से मूंगफली की फसल को जीवनदान मिल सकेगा। न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन लालगढ़ जाटान गांव के अटल सेवा केंद्र में हुआ। सादुल शहर पंचायत समिति के उप प्रधान यहां पर मौजूद रहे। न्याय आपके द्वार शिविर में एसडीएम भवनलाल कसौटिया ने लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया। किसानों ने एसडीएम को कर्ज माफी के लिए ज्ञापन भी सौंपा। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे में बारिश के पानी की निकासी न होने की वजह से दुकानदारों ने सरपंच का घेराव किया और नाली निर्माण की मांग की। छोटी सालड़ी में स्वतंत्रता सेनानी जयचंद मोहिल की मूर्ति पर काली पूर्ति के मामले में लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बाड़मेर में विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने पॉक्सो अभियान मामले में एक आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई। आरोपी श्रवण दास को यह सजा सुनाई गई। नागौर के गाजी खाड़ा में बारिश के पानी के भराव को लेकर विधायक हबीबुर रहमान ने क्षेत्र का दौरा किया और पानी निकासी को लेकर दिशा निर्देश दिए। अनपार एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सीकर जिले के फतेहपुर निमका थाना सहित कई कस्बों के राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया।
बांसवाड़ा के खाटोल कस्बे में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद पंचायत प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हरमाना थाना पुलिस ने इन्वर्टर से भरे ट्रक को खुर्द-बुर्द करने के आरोपी कमल किशोर को गिरफ्तार किया है। मुख्य सरगना की तलाश कर रही है। कोटपुतली की रायकरणपुरा ग्राम पंचायत में तहसीलदार की अध्यक्षता में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में श्याम मंदिर के रास्ते में अतिक्रमण का मामला सामने आया। ग्रामीणों का कहना है कि श्याम मंदिर के रास्ते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो ये शिविर का बहिष्कार करेंगे, जिसके बाद अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटवा दिया। ब्यावर में श्री सिमन की ओर से श्री खेत बाग योजना के अंतर्गत नया गांव ग्राम पंचायत में किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। आगरा से धौलपुर घूमने आए पांच दोस्तों ने रेलवे ट्रैक पर मना करने के बावजूद सेल्फी ली और ये उन पर भारी पड़ गया। आरपीएफ ने पांच युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा परमाणु बिजली घर को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए मुख्यमंत्री ने भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया। डूंगरपुर की दोबड़ा पंचायत समिति के पुनाली गांव में कांग्रेस जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। हनुमानगढ़ के टिब्बी में राजस्थान शिक्षक संघ सेखावत 2012 के अध्यापकों ने वेतन भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर बीओ को ज्ञापन सौंपा। बारा में आबकारी विभाग ने हटकर शराब बनाने वाले अड्डों पर छापेमारी की, दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। श्रीडूंगरगढ़ में अनपाल एनकाउंटर मामले में करणी सेना ने विरोध किया और सीबीआई जांच की मांग को लेकर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सादुलशहर में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से 17 जुलाई को प्रस्तावित चक्काजाम एवं किसान कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए सभा की तहसील कमेटी की बैठक हुई। बाप उपखंड की मालसिंह सिद्ध गांव में हुई बारिश से मकानों में दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी निकासी की व्यवस्था न होने के चलते लोग परेशान हैं। अनोद में एसीजीएम कोर्ट में अभी भी प्रतापगढ़ में ही संचालित होने पर अधिवक्ताओं ने सीएम के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और अनोद में कोर्ट भवन को शिफ्ट करवाने की मांग की। मॉनसून की दस्तक के साथ ही बारिश का दौर बाड़मेर में पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। बारिश से सड़कें दरिया बन चुकी हैं, गाड़ी चलाने वाले परेशान हैं। बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। अच्छी बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल गए हैं, अच्छी फसल की उम्मीद है किसानों को। नागौर कलेक्टर कुमार पाल ने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। इसे लेकर कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए हैं। फतेहपुर में बठौत के पास ट्रक की चपेट में आने की वजह से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य युवक घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। टिब्बी के सहारणी गांव में बाबा सोमारनाथ स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में किड्स एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजित हुई। 7 से 10 साल तक के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। बांसवाड़ा के कसारवाड़ी गांव में संसदीय सचिव भीमा भाई डामू ने जनसुनवाई की और अधिकारियों को समस्याओं के निर्माण समाधान के निर्देश दिए। भीलवाड़ा के मंगरूप में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर मंडपिया तिराहे पर यह हादसा हुआ। मानसूर में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी का विरोध किया और रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। व्यापारियों ने पीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हिंडौन सिटी में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी तो वहीं शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन भी किया। समूह थाना इलाके के बंदूल निवासी एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या की। मृतक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अंकित चेची दूसरे दिन कोटपुतली क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां पर धर्मशाला में चेची के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। छात्र संघ अध्यक्ष राजेश रावत ने चेची का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अंकित चेची ने कहा कि युवा कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। राय की आकोरिया ग्राम पंचायत में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर एसडीएम और तहसीलदार की अध्यक्षता में हुआ। न्याय आपके द्वार शिविर के दौरान राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत 1 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त की गई। मसूरी विधायक रानी सिलोटिया ने पार्वती डैम से निकलने वाली नहर का निरीक्षण किया। नहर जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ के राशमी उपखंड में विभिन्न विद्यालयों में प्रवेशोत्सव के तहत छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। बड़ौत कस्बे में मुस्लिम समाज द्वारा रमजान माह पूरे 30 दिन रोजे रखने वाले बालक बालिकाओं को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। सायला के सुराना कस्बे में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम वैन पहुंची। यहां पर शाखा प्रबंधक ने वैन का फूलमालाओं से स्वागत किया। वैन को लेकर लोगों में उत्साह है। ग्रामीणों ने एटीएम मशीन से अपनी जरूरत के अनुसार रुपए भी निकाले। आसीन उपखंड के डोटा गांव में 151 प्रभात फेरियों का संगम हुआ, जिसमें विधायक हगामी लाल मेवाड़ा सहित श्रद्धालु ने हिस्सा लिया। मांगरोल में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के हालिया बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
मानसून में करीब 6 घंटे तक बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बीकानेर के झुंझुनू में मूसलाधार बारिश से सड़कें टूट गई हैं, जिससे गाड़ी चलाने वाले परेशान हो रहे हैं। खरसाना बीकानेर रोड पर बाइक फिसलने की वजह से एक युवती सहित 2 लोग घायल हो गए, गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया। मालेसर के राजकीय कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए एनसीसी शुरू करवाने की मांग के साथ ही विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य का घेराव किया। छोटी सादड़ी में कपड़ा व्यापारी संघ ने जीएसटी के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मदद की गुहार लगाई। नागौर के एक पीड़ित परिवार ने आगजनी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। पिछले दिनों कुछ युवकों ने उसके घर पर हमला करके आग लगा दी थी। खाटू श्याम जी में राजस्थान ग्राम सेवक संघ की कार्यकारिणी के 2 साल पूरे होने पर पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे में बारिश से आमजन परेशान है, लेकिन सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से वाहन चालक परेशान है। बांसवाड़ा के तलवाड़ा कस्बे में पंचायत द्वारा बनाई गई दुकानें पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं, कभी भी गिर सकती हैं, लेकिन फिर भी पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रहा। गोविंदगढ़ थाना इलाके के ढोटसर बस स्टैंड पर एक बुलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई, हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। बागी में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए माधोराजपुर के पटवारी आकाश सोनी को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यूनिवर्सिटी में भाजपा के विस्तारक मुकेश तिवारी ने भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। अजमेर की बोराड़ा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मनिया में हुई मनिया प्रीमियर लीग समापन में बच्चों ने बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसकी कार्यक्रम में आए अतिथियों ने जमकर तारीफ की। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में अंधड़ के कारण पेड़ उखड़ गए, जिसके कारण घंटों मार्ग अवरुद्ध रहा। दुर्जनपुरा पंचायत के गंडावत गांव में कीचड़ जमा होने के कारण स्कूली बच्चे परेशान हो रहे हैं, शिकायत के बावजूद प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। जाजपुर के शक्करगढ़ थाना इलाके में एक ट्रैक्टर ने युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ के झालरा पाटन में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने चौपड़िया बाजार में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। सायला में जीवाड़ा के आदर्श राजकीय विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण की गई, इस दौरान सरपंच मीरो देवी सहित लोग मौजूद रहे। सायला के आरलोज गांव में अटल सेवा केंद्र पर राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया, इसके दौरान एसडीएम तहसीलदार सहित अधिकारी मौजूद रहे। बोहल गांव में राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां राजस्व संबंधी समस्याओं का उपखंड अधिकारी ने निस्तारण किया। लूणकरणसर में अनाज के व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया, 30 जून से 4 दिन तक अनाज मंडियां बंद रहेंगी। जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों की हड़ताल लगातार 3रे दिन जारी रही, सावा होने के कारण आमजन इससे परेशान हो रहे हैं। सातों शहर में 1 घंटे की जोरदार बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, वहीं मकान की छत भी टूट गई। मकान की छत टूटने के दौरान हालांकि कोई नहीं था, गरीब परिवार ने पार्षद से अब मदद की गुहार लगाई है। अरनूर में जिला प्रमुख सारिका मीणा ने जल स्वावलंबन अभियान के 2रे चरण के तहत कार्यों का निरीक्षण किया, ग्रामीणों की समस्या भी सुनी। पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी नागौर जिले के कीवसर के दौरे पर रहे, यहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ किसानों की समस्या भी सुनी। टिंगरगंज नगर पालिका में सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है, दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की हिदायत भी दी गई है। सीएमएचओ के निर्देश पर एएनएम जानकी देवी ने चौमेला और उन्हेला अस्पताल का निरीक्षण किया, यहां पर आईएलआर डी फ्रीजर वैक्सीन वायल आदि का निरीक्षण किया गया। अजीतगढ़ इलाके में हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, किसान अच्छी बारिश होने की संभावना जता रहे हैं। दूर क्षेत्र की गिदानी ग्राम पंचायत में राजस्व शिविर का आयोजन उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में हुआ, यहां पर शिविर में आपसी समझाई से 15 मामलों का निस्तारण हुआ। नसीराबाद के दिलवाड़ा मार्ग पर फूल सागर में कचरे से इसके सौंदर्यीकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, भाजपा नेता निहाल चंद बड़जात्या ने चौपाटी के रूप में विकसित करने की सीएम से गुहार लगाई। चलिए खबरों का सिलसिला जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। सवाईपुर में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं का निवारण किया गया। बसीडी के टिमासिया गांव में कलेक्टर शुचि त्यागी ने रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत जनसुनवाई की, जिसमें सीएचसी के स्टाफ की शिकायत को लेकर भी बातचीत की गई।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आबादी के बीच बायोमेडिकल वेस्टेज को जलाया जाता है। कलेक्टर ने सीएमएचओ को इस मामले में जमकर लताड़ लगाई। चित्तौड़गढ़ जिले के सांवरिया जी में धरने पर बैठे मंदिर के संविदा कर्मियों से एडीएम और मंदिर सीईओ ने बातचीत कर हड़ताल को खत्म करने की बात कही। कोटा के कुंदनपुर में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, हादसे में कार सवार दो लोग घायल हुए हैं। हिंडौन सिटी में तेज बारिश के चलते सड़कों पर कॉलोनियों में पानी भर गया है, इससे लोग परेशान हैं। आसीन ब्लॉक में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत हो रहे कार्यों में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने शिवदान किया। राजगढ़ की सीन धर्मशाला में टहला ब्लॉक की महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष अरविंद जोशी ने विधायक द्रौपदी मेघवाल को से कस्बे की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। बांसवाड़ा के खमेरा कस्बे में पंचायत की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, कस्बे में जगह जगह गंदगी का अंबार है। झालावाड़ के उन्हेल कस्बे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन एक सप्ताह से खराब पड़ी है, जिसके चलते उपभोक्ता परेशान है। जीएसटी के विरोध में सीकर के दाता रामगढ़ कस्बे में कपड़ा व्यापारियों ने रैली निकाली और सरकार से जीएसटी वापस लेने की मांग की। मानलगढ़ के मीनार के पास ट्रेलर ने एक कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। करगिल शहीद आनंद सिंह जयसिंहपुरा की 18वीं पुण्यतिथि पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन आनंद सेवा संस्थान के तत्वावधान में किया गया। समारोह के प्रमुख अतिथि जोगनेर थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह रहे। इस दौरान विद्यालय के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। नसीराबाद ब्रिगेडियर जीएस चीमा ने कैंटोनमेंट यार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान ब्रिगेडियर चीमा ने कर्मचारियों से कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी भी ली। धौलपुर के बरेह मोरी गांव में ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नशा मुक्त गांव बनाने को लेकर बातचीत की गई। मालीहेड़ा में भैरव जी महाराज के मंदिर का जल्द निर्माण करवाया जाएगा, इसके लिए प्रधान सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भूमि पूजन किया। करौली में श्रम विभाग की ओर से आयोजित सिलिकोसिस जांच शिविर में पंजीकृत श्रमिकों की जांच की गई। शिविर में डॉक्टर शैलेंद्र अग्रवाल सहित तीन डॉक्टर्स के बोर्ड ने पीड़ितों का इलाज किया। जाटपुर में चोरों ने तीन दुकानों में ताले तोड़कर 27,000 की नकदी पर हाथ साफ किया, थाने में मामला अभी तक दर्ज नहीं करवाया गया। झालावाड़ की धुलिया ग्राम पंचायत में एसडीएम चंदन दुबे की अध्यक्षता में न्यायालय के द्वारा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें एसडीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। नसीराबाद में आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया गया है, चालान जमाना करने वाले पशुपालकों के गौवंश को गौशाला भेजा जा रहा है। सांगौद में बूथ विस्तारक कार्यक्रम के तहत इन दिनों भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क जुटाने में जुटे हुए हैं। बूथ विस्तारक पदाधिकारी मतदाताओं के नाम, मोबाइल नंबर समेत कई जानकारियों को सूचीबद्ध कर रहे हैं। करौली जिले में ग्रामीणों और डांग क्षेत्र में हुई बारिश से नदी नालों में पानी की अच्छी आवक हो रही है। डांग क्षेत्र में पोखर और तालाब में पानी आने से ग्रामीण खुश हैं। कोटड़ी अस्पताल के मेन गेट पर भरा पानी मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे पर नालों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य केंद्र के पानी की निकासी का रास्ता बंद हो गया है। झालावाड़ के गंगधार कस्बे में स्वच्छ भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, नालों की सालों से सफाई नहीं हुई है। यहां नालों में सफाई न होने के कारण गंदगी और बदबू से लोगों का हाल बेहाल है, सरपंच की लापरवाही से भी लोग परेशान हैं। मसूदा के अंधेरी देवरी गांव में न्याय आपके द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में विभिन्न मामलों का निस्तारण हुआ। भीलवाड़ा के गुलापुरा में नीलगाय का बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया, जिसका कुत्तों ने करीब घंटे भर तक पीछा किया और अंत में नीलगाय का बच्चा भागने में कामयाब रहा। जयपुर के पावटा में पानी की मांग को लेकर महिलाएं टंकी पर चढ़ गईं, जिसकी सूचना पर पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने महिलाओं से समझाइश की कोशिश की। महिलाओं का आरोप है कि कस्बे में 4 दिन से पानी की सप्लाई बंद है। भरतपुर के कामा कस्बे में तीसरे दिन कपड़ा व्यापारी ने केंद्र सरकार से जीएसटी टैक्स खत्म करने के लिए मांग की। कपड़ा व्यापारियों ने केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया और जमकर नारेबाजी की। नसीराबाद में कत्लखाने ले जाए जा रहे गौवंशों को लोगों की सजगता के चलते बचा लिया गया। पंजाब से महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे गौवंश। पोखरण में आबकारी विभाग ने 40 लाख की शराब गायब होने के मामले में गड़बड़ी देखी है। जयपुर से आई विशेष टीम ने आबकारी विभाग के दफ्तर में देर रात तक दस्तावेज खंगाले। अलवर के इमलाली गांव में डोल विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के दो महिलाओं सहित कुल 6 लोग घायल हुए हैं। इस खूनी संघर्ष में घायलों के इलाज के लिए अलवर रेफर किया गया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज नहीं करवाया गया।
जोधपुर के बाप में ग्राम पंचायत सेखासर के ग्राम सेवक परम सिंह पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में ग्राम सेवक जख्मी हुआ है। करौली के सपुतरा थाने में चोरी के मामले में रिमांड पर चल रहा एक मुलजिम पुलिस को गच्चा देकर फरार हो गया। आरोपी की तलाश भर जिले भर में करवाई जा रही है। धौलपुर के सैपुर थाना क्षेत्र के तसीमो कस्बे में ढाई मोहल्ले से एक युवक 5 मई से घर से लापता है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना इलाके के साबला में झाड़ियों में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। बारा के अंता में बेकाबू कार ने दो बाइकों को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत।